मेरी जींस की पैंट पता नहीं कहाँ गई, मैं अपनी सिम डालूंगा, मेरा भी तो फोन खराब हो गया, वो इसमें भी देख लिया था मैंने। इन कपड़ों को टटका टटका के देखो, टटका के देखो, वैसे कह रही इतना मोटा पर्स है, मोटा पर्स है फिर वो। गाइस जो है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अरे मैं से वहां रख लूं झाड़ झाड़ के। दीदी जो बोले कि मैं जैजू की अलमारी में जैजू के कपड़े इतने सारे, और हर हफ्ते जो है जैजू कपड़े चाहिए होते हैं, जैजू बोलते हैं कपड़े लेने चले मॉल, चलो मॉल जो इतने कपड़े इकट्ठा कर रखे हैं, क्या करें जो भी कपड़े नहीं है, एक हफ्ते दो हफ्ते 10 दिन से तूने मेरे घर में राज कर रखा है, मतलब बात ऐसी बोल रहे, 10 साल के कपड़े हैं वो, बात कर देंगे, मेरे को कोई शर्म नहीं है। जैजी बोले कमीज को भी टटका के देख लो, जैसे कमीज है ये टी शर्ट, टटका इसी के अंदर से निकल जाए, क्या पता इसी के अंदर से निकल जाए, क्या पता इसी के अंदर से पैसे की पछाड़ हो जाए, क्योंकि मैं तो रात माल हो जाए, क्योंकि ना मेरे वाले उसमें लॉक में प्रॉब्लम है, तो मैं ये वाली अलमारी में रख के गई थी उस पर्स को गाँव जाने से पहले, और मैंने ना पर मेरी दीदी इतनी वो है जो है, जैजी को नहीं बोला एक बार भी, क्या चोर है, क्या चोर है, ट्रेनिंग मिली हुई है, क्या चोर है मेरे मन में, क्या करना है उसको, क्या बताना है क्या नहीं बताना, ट्रेनिंग मिलती है क्या मिलती है, ये लोग समझदार है उनको पता है पीछे क्या होता है। हाँ तो तुम जो है मेरे पर्स के पैसे ना, मतलब वो मेरी जमा पूंजी, वो मेरी क्या होता है ना, नहीं था वो ना पता क्या होता है, कलर अच्छा है इसका, सुन भाई मेरी बात, वो क्या होता है, वो पैसे का जो पर्स होता है ना, एक बार मैंने ऐसी पर्स में पैसे जमा किए थे मेरे, उसमें 25-30 हज़ार रुपये हो गए थे, तो इन्होंने बोला अभी दे दे, अभी कैश मेरे पास नहीं है, एटीएम से निकाल के ले आऊँगा, अभी अपना कैश दे दे थोड़ा, ऐसे करते करते वो मेरा कैश सारा गायब हो गया, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ किसी को कि मेरे पास कितने पैसे हैं, वो मैं संभाल के रखती हूँ किसी बुरे समय में काम आएंगे घर के, आपातकाल की स्थिति में, वो मेरा पर्स ही नहीं मिल रहा, उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके नाम बता, उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मेरे सारे एटीएम भी है, और मेरे को जो है मिल नहीं रहा पर्स यार, बड़ी समस्या में परेशान हूँ, और आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, पैसे ही नहीं है पर्स, और मेरा पेटीएम भी बताने क्या प्रॉब्लम कर रहा है, और मेरे सारे आईडी, मेरे सारे जो भी बैंक के जो भी डेबिट कार्ड वगैरह थे ना, सब क्रेडिट कार्ड उसी पर्स में रख के गई थी मैं, और ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी में था, वो पर्स का मिलना बहुत ज़रूरी है बहन, ढूंढना, कपड़े तो लगा रही है यार तू, ये कर लेंगे अपने आप ही, तो ढूंढ उसको कहीं कहाँ रखा हुआ, मेरे को वहाँ मेरे कपड़े दे दो, मैं अपने आप लगा लो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम लोग ये ऊपर वाला, ऊपर वाली जो भी खाली कर दो इसको, मैं नहीं कर रहा उसके पास, कल लास्ट में यहाँ ऊपर तो खाली कपड़े ही, ऊपर थोड़ा आया कुछ, क्या पता ऊपर वाली रो में तो नहीं पड़ा हुआ, ये तो ये थोड़ा डिब्बे डब्बे पड़ा थे, इनको ऐसे वो उसमें ड्रेस वगैरह है यार, अब बिल्कुल बिल्कुल भी, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, हंसी आ रही है मुझे, हंसी आ रही है क्योंकि एक नंबर की एक्टर ड्रामे बाज, ढूंढ रहा है दोबारा से उधर डाल, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ले मेरे पास कितना पैसा था इसमें, मेरे सारे कार्ड भी इसी में, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी इसी में, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 0.7 है, 5 नहीं है दोस्तों, गलती से बोल दिया, ये मेरा स्केच, हम लोग पेंसिल जो यूज़ करते हैं ना स्केचिंग के लिए, रफ मतलब गारमेंट कंस्ट्रक्शन में पहले स्केच रेडी होता है उसको बनाने के लिए, मोस्टली हम यही पेंसिल यूज़ करते थे, तो एक पेंसिल मैं ना ये वाली अपनी जो है अपने इस पर्स में रखती हूँ, क्योंकि ये जो है
पेंसिल जो है ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैंने जब फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी तो वहाँ पे मिली थी मुझे ये, और इससे ही मैंने आगे काम करते 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 काफ़ी कुछ पा लिया। तो ये इनको पाया ना, और क्या पाया, इनको पाया और क्या पाया। तो ये मेरे पास, अच्छा हाँ, इसमें ये वाले पैसे भी हैं, और ये मेरे जो ये वाले नोट जो इसमें रखे हैं ना, ये स्पेशल नोट हैं, ये देखो। अनीता तुमने उसमें थैले में मेरे वो कुर्ते पजामे डाले ना? मैंने इसको एनवलप में वो करके रखा है, देखो कैसे। ये एक एक रुपए के जो नोट हैं, ये 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 देखो, ये स्पेशल नोट है, ये 5 का नोट, ये 10 का नोट। ये स्पेशल क्यों है? ये नोट भी वो बहुत मतलब अलग से है ना, कम यूज़ होता है इसीलिए। और एक एक रुपए के नोट कहाँ आजकल कोई मिलता है इतने छोटे छोटे से। तो ये मेरे पास इकट्ठे किए हुए, और ये अभी क्या इकट्ठे किए हुए नहीं है, बहुत पुराने इकट्ठे किए हुए हैं। मतलब मैं तब बहुत, ये नोटों की जब मेरे लिए बहुत वैल्यू हुआ करती थी, इस नोट की भी तब वैल्यू थी, तब का ये नोट है। और ये जो 100 का नोट है, इसमें ये नंबर है लास्ट में 786। तो ये मुझे पापा ने दिए थे सारे नोट, इसलिए मैंने इनको इस तरह से, इनको कभी खर्च नहीं करती हूँ, इनको इस तरह से ये करके और मैं उसमें संभाल के रखती हूँ। इसलिए मैं इस पर्स के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी कि मेरा जो है कहाँ गई, किस चीज़ का बिना भाई। ये एक साड़ी ली है शायद, साड़ी का बिल मैंने लिया, बोला मैंने। ये हमारी वीडियो में बीच बीच में बोलना ज़रूरी है? हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं ना अभी। सब देखे पैसे यार, सब पैसे नहीं देखे, मैं इस पर्स के बारे में खासियत बता रही ना। मैंने कपड़ों के बीच पहले रखा था, तुम्हारे कपड़ों के बीच रखा था इसको, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार जब तुम यहाँ गांव में रहोगे और तुम आओगे और फिर तुम कपड़े निकालोगे और मेरा पर्स अभी धाम से नीचे गिरेगा तो तुम तो खुश हो जाओगे इसको देख के। तो इसलिए मैंने ये पर्स ना फिर उठा के अपनी साड़ियों वाले कपड़ों के बीच में रखा था। रखा तो कपड़ों के बीच में ही था ना, इसमें साड़ियाँ हैं। हाँ तो चलो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। अनीता की पैसे मिल गए, तो पैसे फाइनली मिल गए। एक्चुअली मेरे पेटीएम में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और मेरे पास ना कार्ड वगैरह भी सब मेरे इसी पर्स में था, और सीरियसली ये पर्स में जब से मैं गांव से आई तब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। अब इसको आज ही मिलना होगा ना, परसों ही हम लोग गए थे शादरा इसकी शॉपिंग के लिए, तो अब कैश लेके नहीं गई थी, पेटीएम से ही करा, लेकिन पेटीएम में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या हो रहा उसमें भी। तो चलिए थोड़ा फटाफट रेडी रहते हैं और चलते हैं मार्केट। तो आज ना पापा का एक्चुअली बर्थडे है, तो मम्मी की एक ट्रीट आई है वहाँ से हमारे लिए, मम्मी का संदेशा आया था शाम को, समोसास और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स। ये जो माइका के लिए ट्रीट नहीं, माइका की वजह से मिली हमें, क्योंकि माइका ने बोला नानू को भाभी तो केक खाएगा, ओ आज तो केक ऑर्डर होगा करके, एक ग्लास और लेके आ गई। एक्चुअली वैसे भी मम्मी ना अगर वहाँ पे ना हम मतलब अगर हम वहाँ पे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है मम्मी हमको जो है भेज देती इसी तरह से क्या बोलते हैं माइका के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी सोचती हैं कि भाई बच्चे जो है सभी लोग ट्रीट करें इंजॉय, और हम जा नहीं सकते। पहले तो हम पास में रहते थे तो पापा के पास चले जाते थे, इस बार हम नहीं जा पाए, तो मम्मी ने कुछ इस तरह से हमारे लिए अरेंजमेंट किया है। तो थैंक यू मम्मी पापा, और हैप्पी बर्थडे पापा वंस अगेन। और ये मिस माइका भी इंजॉय करेगी। माइक कौन सा वाला लेना आपने? ये वाला बहुत अच्छा है। चलो इसको माई कौन सा वाला पेस्ट्री चाहिए आपको? ये वाला माई पहले मोमोज खा लेना, पेस्ट्री बाद में खाना लास्ट में। अच्छा ठीक है, इसको भी खाना है। स्पून देती हूँ आपको, स्पून देती हूँ। ये मोमोज वाली, इसके मोमोज कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं, जो दिन गया था 70 रुपये का था। मेरे को जन्मदिन, पापा का जन्मदिन मई में आता है, सरप्राइज दिया हम सबको।
भाई मजा आया ना नानी का सरप्राइज देख के। वही तो सरप्राइज है माही का ही वजह से मिला है। और माही बोलती नहीं नानू हैप्पी बर्थडे, केक लेने कौन गया है, कुछ है हमें आज पेस्ट्री मोमो। नहीं नानी वैसे भी इसको तो हर साल ऑफर करती है, अगर वो ये किसी वजह से नहीं अवेलेबल होती हाँ। तो नानी जो है ना बोलती कि तुम पार्टी कर लेना। उस दिन जहाँ से लिया था ना उतने टेस्टी नहीं थे यार, ये मोमोज ज़्यादा सही है, ना। तो फ्रेंड्स अभी ना हम पार्टी ले रहे हैं पापा की बर्थडे की, आज मेरे पापा का बर्थडे है और मम्मी ना वहाँ से हमारे लिए ट्रीट भिजवाई हुई है। मम्मी पापा को किया। पर ट्रीट जो है ना मम्मी ने भिजवाई है, नहीं कि मम्मी ने कुछ बुकिंग कुछ किया ऐसा नहीं है, उन्होंने हमको कैसे भी करके ये हमारे साथ स्पेशल जो पेस्ट्री वगैरह माहिका के लिए। नहीं मम्मी ने ऐसा बोला ना मुझे फ़ोन करके इंदु को मैं बताना, वरना इंदु पैसे लेगी नहीं, ट्रीट लेगी नहीं, अपने पैसे लेगी। तो तू जाना, तू जा चुपचाप नीचे और जो है मेरे को बोला था फ़ोन किया, जब मेरे को बोल नहीं था तेरी बहुत मुझे बाबा फ़ोन क्यों करती है करके, पहले क्या था आवाज़ नहीं आई, दोबारा फ़ोन किया था तब ऐसा बोल रही थी कि चुपचाप नीचे जाओ, वहाँ से समोसे ले गया, जलेबी ले गया, पेस्ट्री ले गया, माहिका के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले गया। मैंने कहा मैं अकेले कहाँ जाऊँगी नीचे, से मैंने तुम्हें सरप्राइज़ बता दिया, वरना ये सरप्राइज़ था। मेरी तो मम्मी ने ना इसको फ़ोन करके बोला कि तू लेके आ जा और जो पेटीएम वगैरह जो भी करना था मम्मी इसको ट्रांसफ़र कर देती। और ये थोड़ा सा ऐसा था क्योंकि हर साल मतलब पापा के बर्थडे में हम लोग नॉर्मली वहीं थे, इस बार जो है हम लोग हैं नहीं वहाँ पे, मम्मी की एनिवर्सरी में भी नहीं थी मैं, बट कोई बात नहीं। क्योंकि भाभी के बर्थडे वाले दिन में मम्मी ने मुझे ऐसे ही कुछ कहा था, मैंने किया नहीं, मैंने कोई बात नहीं वो तो मम्मी का वो है, तो मम्मी को इस बार ना अनीता मिल गई कि वो वहाँ पे है तो अरेंज कर देगी, इसलिए तुझे फ़ोन करके मम्मी ने बोला कि इंदु को मत बताना कि जो है अब फटाफट सामान लेके आ जा। तो ऐसे होता है पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स रहते हैं। तो चलिए हमें फिनिश कर लेते समेट लेते फटाफट और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।